Assalamu alaikum. Today in this video I'm going to explain a very important topic of special embryology, that is skeletal system development. ये हमारी special embryology का बहुत अहम topic है. And just in 2-3 minutes, I mean whatever the time of the video may be, you will be able to get this topic. और उसके बाद आपको chapter read करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. बिल्कुल ऐसे ही बस इसको समझ लें जैसे table मैंने बनाया है, इसको draw कर लीजिएगा. And then आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप chapter read करें. First of all, I'll go for the portion of skull. इसके दो portions होते हैं, skull और vertebral column. ठीक है. Okay, it consists of two portions, the skull and the vertebral column. First of all, I'll go for the skull. अब हमें पता है कि skull जो है हमारा ऊपर वाली खोपड़ी है सारी, उसके दो parts होते हैं. एक neurocranium होता है, एक viscerocranium होता है. Neurocranium वो part है जो कि हमारा सारा ऊपर का सर बनाता है, जिसमें हमारे बाल लगे हुए होते हैं, अगर मैं ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में कहूँ. और viscerocranium वो पार्ट होता है जो हमारा चेहरे की बोन्स बनाते हैं. बेसिकली skull is all the bones of the head. न्यूरोक्रेनियम जो सर की बोन्स होती हैं जहाँ बाल होंगे, एंड विस्ट्रोक्रेनियम जो चेहरे की बोन्स होंगी. अब न्यूरोक्रेनियम की अब देखते हैं, हमने देखना है कि डेवलपमेंट कैसे होती है. याद रखना न्यूरोक्रेनियम जो है वो मजीद दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है कार्टिलेजिनस पार्ट या कार्टिलेजिनस न्यूरोक्रेनियम, एंड दिस वन इज़ द मेम्ब्रेनस पार्ट और मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम. कार्टिलेजिनस के नाम से पता चलता है कि इसकी जो ऑसिफिकेशन होगी वो इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होगी, और जो मेम्ब्रेनस की ऑसिफिकेशन है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होगी. वो ऑसिफिकेशन तो मैं यहाँ जनरल एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है समझाने नहीं लगी. आगे चलते हैं. जो कार्टिलेजिनस पार्ट है, बेसिकली जो हमारा मेन बात है एम्ब्रियोलॉजी के लिए कि वो डिराइव कहाँ से होता है. जो हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट है वो दो जगहों से डिराइव होता है. वन इज़ द पारएक्सियल मीजोडर्म, अदर इज़ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. अब हम सबको पता है कि ये मीजोडर्म में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दें, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी. बिकॉज मीजोडर्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सोमाइट्स डिफ्रेंसीशन जो है वो ज़रूर लॉन्ग में अक्सर आ जाता होता है. सो यू मस्ट हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट. यहाँ पर मैं सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करी, बिकॉज इट विल टेक टाइम. तो पारएक्सियल मीजोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट सेल से जो हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द न्यूरोक्रेनियम है वो आता है. अब कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ न्यूरोक्रेनियम में जो बोन्स आती हैं वो हमारी वेल डिफाइंड नहीं है बुक में, इसलिए हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है. सिर्फ इतना याद रखना है कि वो इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होगी. अब वो कहाँ पर होती हैं, उनकी लोकेशन सिर्फ पता होनी चाहिए. हमें पता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो सेंटर में पड़ी हुई होती है, और नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल ट्यूब बनती है. जहाँ पर नोटोकॉर्ड एंटीरियरली ख़त्म हो रही होगी, सर में आके एक जगह होती है जहाँ पर हमारा पिचूटरी ग्लैंड है ना, अब वाला पिचूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर नोटोकॉर्ड आके ख़त्म हो जाती है, उसे उसका रोस्टर लैंड कहते हैं. उसके ऊपर जो बोन्स होंगी, जहाँ पर नीचे सर में ब्रेन में पिचूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड के ऊपर जहाँ पर वो पिचूटरी ग्लैंड वाला एरिया होता है वहाँ उसका रोस्टरल पोर्शन होता है, एंडिंग पोर्शन होता है. उसके ऊपर जो बोन्स बनेंगी हमारे सर की बोन्स, दे विल बी मेड फ्रॉम दिस न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बनेंगे, और उसे हम कहेंगे प्री कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम, उसका नाम है. और उस एरिया से पीछे पीछे हमारे सर की जितनी बोन्स बनेंगी फ्रॉम द कार्टिलेजिनस पार्ट या फिर इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन के जरिए, दे विल कॉल्ड कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम, और वो पारएक्सियल मीजोडर्म से बनेंगी. ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि रोस्ट्रल एंड ऑफ नोटोकॉर्ड लाइज एट द लेवल ऑफ पिचूटरी ग्लैंड. उसके ऊपर जो बोन्स बनेंगी वो प्रीकॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम से, और उससे पीछे जो बनेंगी वो कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम. दूसरी तरफ हम आते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट पे, जिसने इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के जरिए बनना है. इसकी भी बोन्स बुक में स्पेशलाइज नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम. बस ये याद रखना है कि इसकी जो बोन्स बनेगी वो पारएक्सियल मीजोडर्म से और न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनेगी. और जहाँ भी इंट्रा मेम्ब्रेनस आती है ऑसिफिकेशन, वो ऑफकोर्स किसी ना किसी टाइम के लिए होती है, उसके बाद उसे वो कैल्सीफाई हो जाती है. बर्थ के बाद जो है वो ऑसिफिकेशन उसकी दोबारा से हो जाती है, बोनी स्पिक्यूज जो है वो ओरिजिनल बोन से चेंज हो जाते हैं. सो ये हमारा न्यूरोक्रेनियम का पार्ट इधर ख़त्म हो जाता है. इससे ज़्यादा कोई बात इसमें नहीं लिखनी, बल्कि अगर 3 या 2 नंबर का सवाल है तो ऐसे टेबल ही ड्रॉ कर देना बेस्ट होता है. देन इज़ द विस्ट्रोक्रेनियम. विस्ट्रोक्रेनियम जो हमारी फेशियल बोन्स बनती हैं दैट आर इंक्लूडेड इन विस्ट्रोक्रेनियम, वो दो पार्ट्स हैं उसके. एक वो है जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आता है, और एक सेकंड फेरेंजियल आर्च से आता है. अभी फेरेंजियल आर्चेस जो हैं जहाँ पर हमारा फेरिंग्स बनेगा बाद में जाके, जो हमारा ओरल कैविटी और उसको कनेक्ट दोनों का कॉमन पाथवे होता है, उसके बनने से पहले जब डेवलपमेंट हो रही थी तो वहाँ पर ऐसे उस एरिया में यूँ बल्जिंग्स सी आती हैं. मीजोडर्म के उस एरिया में बल्जिंग्स आती हैं, उन बल्जिंग्स को हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस. टोटल जो है कुछ लोग कहते हैं 5 होती हैं, कुछ कहते हैं 6 आर्चेज होती हैं फेरेंजियल आर्चेज. बहरहाल फर्स्ट और सेकेंड ने तो होना ही होना है.
फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो बनती है वो, अच्छा ये दोनों फर्स्ट सेकंड फेरेंजियल आर्च बनेंगी न्यूरल क्रेस्ट सेल से, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, न्यूरल क्रेस्ट सेल से फर्स्ट फेरेंजियल आर्च भी बनेगी, सेकंड भी बनेगी। ये दोनों बल्जिंग्स जो बन जाएंगी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बने हुए एक एरिया की वजह से, वो अगर जाके डिवाइड होंगी हमारी विसरल विज़ेरोक्रेनियम में या फिर चेहरे की बोन्स में। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो है वो कौन कौन सी बोन्स को अराइज करती है, हमारी मैक्सिला को। अब मैं फेशियल बोन्स आप लोगों को दिखाती हूँ। फेशियल बोन्स में मैक्सिला होता है एक हमारे पास, जो जो लिप्स से ऊपर वाला हमारा अपर जॉ होता है जिसे हम कहते हैं, वो मैक्सिला से बनता है। ज़िगोमैटिक बोन जो हमारी ये चीक्स की बोन होती है, जो गाल है हमारे जिस पे हम ब्लश ऑन लगाते हैं, दैट इज़ ज़िगोमैटिक बोन। एंड टेम्पोरल बोन जो है वो माथे की बोन होती है। ये तीनों बोन्स बनती हैं हमारे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। उसके अलावा जो मैंडिबल हमारा लोअर जॉ है, जो वाहिद मूवेबल बोन है, वो उसका एक पार्ट वेंट्रिकुलर पार्ट जो है वो भी बनता है हमारे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। बाकी चीज़ें रहेगी कि सेकंड फेरेंजियल आर्च से क्या बनती हैं, तो मैंडिबल या फिर लोअर जॉ है जो हमारा, उसका जो डॉर्सल पार्ट बच जाता है वो बन जाता है इससे, और ईयर की तीनों बोन्स मेरिसिनकस टेप्स बन जाती हैं सेकंड फेरेंजियल आर्च से। इस तरह हमारा विज़ेरोक्रेनियम भी कंप्लीट हो जाता है। इसे रिपीट करके ज़रूर एक दफ़ा सुन लेना कि मैंने क्या बताया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग जो इसमें आती है हमारी, वो है हमारे जो दो आपको टर्म्स पता होना चाहिए, सूचर्स एंड फोंटेनेले। जहाँ भी हमारे सर की दो बोन्स डेवलपमेंट के टाइम पे मिलती हैं, वहाँ पर एक जो एरिया बनता है उसे सूचर कहते हैं, मिलने वाली जगह पे। फॉर एग्जांपल एक ये बोन है, कि ये बोन है, ये कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं होता क्योंकि हमारे ब्रेन ने बढ़ना होता है, इस वजह से ये एक जगह सूचर की तरह रह जाती है। इन एडल्ट एज जब पूरा ब्रेन बन जाता है, सारी की सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तब ये सूचर जो है ऑसिफाई होकर बोन्स को जोड़ देता है। फोंटेनेले, जहाँ दो बोन्स जुड़ेंगी वहाँ सूचर बनेगा, और जहाँ दो से ज़्यादा बोन्स जुड़ेंगी वहाँ फोंटेनेले बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ चार बोन्स जुड़ी हैं और दरमियान में सुराख है, तो ये इधर सुराख है फोंटेनेले। दो फोंटेनेलेज होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटेनेले। एंड बस इसके बारे में इतना पता होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपको ये समझ आ जाए तो चैप्टर भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है।